दरोगा पर लगे गंभीर आरोप, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों ने लगाए नारे। जी हां, आपको बता दें, अमेठी में ग्रामीणों व परिजनों ने लगाए दरोगा पर गंभीर आरोप, जहां एक जिला बंदर के स्थानगत आदेश के बाद बिना जानकारी के पुलिस द्वारा पैसा लेने व थाने लाने का मामला आज सुबह सरला सिंह पत्नी सुरेंद्र सिंह ने थाना प्रभारी के नाम एक प्रार्थना पत्र दिया और पुलिस कार्यशैली पर आरोप लगाते हुए बताया कि संग्रामपुर थाने से एक उपनिरीक्षक दो सिपाही रात्रि 1 बजे हमारे यहाँ पहुँचे, हमारे पति व पुत्र को जबरन पुलिस गाड़ी में बैठा लिया। जब हमने पूछा तो हमको भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगे, कहा कि तुम्हारा लड़का जिला बंदर है। तो हमने न्यायालय द्वारा स्थानगत आदेश को दिखाया लेकिन नहीं माने, तो मैंने आवाज़ लगाई, ग्राम वाले आने लगे तो उपनिरीक्षक महोदय को 5,000 रुपये नकद लिए और 20,000 सुबह थाने में लाने की मांग के बाद छोड़ा। मैं आपका कहाँ से आई हैं? आज यहाँ बहुत महिलाएं हैं, क्यों आई हैं? हमारे गांव के आदमी को परेशान करते हैं ये। कौन परेशान कर रहा है? पुलिस वाले परेशान। हाँ। अपने विधायक से क्या कहा? विधायक से कहे थे कि हमको लोग को मारते हैं, गाली देते हैं, उल्टा सीधा करते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सब ठीक है, ठीक ठीक। उन्होंने आश्वासन दिया आपको? ये मामला भुसेरी ग्राम सभा का है और इसमें एक जन को जिला बदर हुआ था और हाई कोर्ट से अपना स्टे लेके आए थे। यहाँ से थाने से एक एसआई गए बिना जानकारी के और बिना यहाँ पे किसी को सूचना दिए, ना तो एसओ साहब को सूचना थी, ना सीओ साहब को सूचना थी, और वो अपने मन से चले गए रात को 1:30 बजे उनके घर में। वहाँ पर सब महिलाओं ने, उनकी बहनों ने, उनकी माताजी ने उसके ऑर्डर दिखाया भी उनको, लेकिन न मानते हुए उनको लेके आए। ये आरोप है उनके ऊपर कि उन्होंने मांग की, अर्थव्यवस्था की मांग की, ये आरोप लगाया जा रहा है। और परिवार से और जिनको लेके आए, जो जिला बदर थे उनको लेके आए, उनसे अर्थव्यवस्था की मांग की गई और बीच में ऐसा आरोप है कि उनको उनसे कुछ उसमें से लेके पैसा लेके उनको बीच रास्ते में अंधेरे में 2 बजे उतार दिया गया। तो यहाँ सारा गांव इकट्ठा हुआ है कि अगर इस तरह से बिना जानकारी के, बिना उसके, अगर स्टे ऑर्डर होने के बाद भी अगर लोगों को उठा लिया जाएगा और रात को कुछ अर्थव्यवस्था लेके छोड़ दिया जाएगा तो ये बहुत गलत बात है। और यदि ऐसा हुआ है तो हम भी इसके बहुत बहुत खिलाफ हैं। प्रशासन अपने दायरे के अंदर रह के काम करे और नागरिक होने के नाते हम लोग भी इस बात को समझें कि जो विशेष ऑर्डर है, कोई अगर प्रशासनिक आदेश है तो उसका हमको पालन करना है, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो अधिकारियों को भी अपने दायरे में रह के ही काम करना चाहिए। यही चीज़ कंफर्म करने के लिए हम आज थाने पे आए थे। जो सब लोग गांव से आए हैं, रामगढ़ से आए हैं, उन सबको भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि न्याय 100% होगा। सीओ साहब भी हैं, एसओ साहब भी हैं, सीओ साहब को आवेदन दे दिया गया है, 2 दिन के अंदर जांच करके जो भी कार्रवाई, जैसी भी कार्रवाई, उचित कार्रवाई, न्याय संगत कार्रवाई होगी उसको 100% किया जाएगा।